करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात करी थी नरेंद्र मोदी जी ने, मगर वो जो 20 करोड़ नौकरियां मिलनी थी वो तो पता नहीं हवा हवाई हो गई। लेकिन राहुल गांधी जी जो एक महात्मा हैं, आज के महात्मा जो चल रहे हैं मणिपुर से महाराष्ट्र तक लोगों के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए और न्याय की मांग करते हुए और न्याय दिलवाने का प्रण लिए हुए, और उसी न्याय यात्रा के तहत वो कह रहे हैं युवा न्याय, और इसी स्लोगन को लेकर आज तेलंगाना की सरकार ने जो घोषणाएं करी है वो बता रही है कि युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए क्या क्या कार्य हम करने जा रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पुलिस की भर्ती हो, हम हर जगह लोगों के लिए नौकरियों का सृजन करेंगे। हमारी सरकार राहुल गांधी जी के दिखाए रास्ते पर बढ़ते हुए लोगों को न्याय दिलवाने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए कार्य कर रही है। मगर KCR कहाँ है? KCR जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, हार गए तो इसका मतलब ये है कि वो उस विधानसभा का आदर भी नहीं करेंगे, वहाँ पर आएंगे भी नहीं। नालगोंडा जाते हैं मगर ये नहीं बताते कि उन पर जो सवाल है उनके जवाब क्या है। लोग त्राही त्राही करते रहे पिछले 10 साल तेलंगाना में, मगर उनके पास जवाब नहीं है। वो लोकतंत्र का अपमान करते हैं, वो जनता के सामने आने को तैयार नहीं है, वो कांग्रेस की सरकार के सामने बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि डरते हैं वो, क्योंकि कार्य नहीं किया उन्होंने, भ्रष्टाचार किया। और मोदी जी से ये ज़रूर पूछना है कि कब आएगी ईडी KCR के घर, कब भेजेंगे वो इनकम टैक्स को, CBI को, KCR और उनके परिवार के घर। बात बहुत करते हैं परिवारवाद की, मगर अब बताए मोदी सरकार कि कब जाएगी उनकी ईडी और पता लगाएगी कि कैसे हुआ भ्रष्टाचार, या सब संलिप्त है उसमें? मोदी जी का आशीर्वाद है क्या?